फ्रेंड्स हम जा रहे हैं आनंद पर्वत और गेट नंबर 1 से हमको मेट्रो मिलेगी, तो चलते हैं गेट नंबर 1 पर। सुनील जी काफी तैयारी कर ली है। किधर चलना है? तो मैं कह रहा हूँ मत दो बताना, मतलब मत दो। चल दो मिनट के बाद कर दो, 10 मिनट। ऐसे मैंने बोल क्या दिया इसमें? अपने साथ रहोगे तो कहीं भी स्टार्ट हो जाओगे। क्या कह रहे हो? अपने साथ रहोगे तो कहीं भी स्टार्ट हो जाओगे, बिना जगह ना दूर देखते हुए। इधर बेहतरीन सीन है। ब्लू लाइन राजी चौक एरा, ब्लू लाइन राजेंद्र पैलेस के लिए, राजेंद्र पैलेस यहाँ जाना है ना। चलो हो गया। हाँ ब्लू लाइन जी आएगा। अरे यहीं आएगा, अपने सिटी में आने का भी ना है, दिल्ली बता रहा हूँ। देखो वो माइंड घुमा रही थी ना, सोच रही थी ना यार बता। चलो अंदर आओ जल्दी बराबर। राजीव चौक से राजेंद्र प्लस के लिए झंडे वाला सर घुमा हुआ हूँ मैं। जाने वाले नीचे देख सकते हो, ट्रेन से उतरना है ये। सर उतरते राजेंद्र प्लेस और पर्वत कौन सा था? पर्वत कौन सा था? राजेंद्र प्लेस पर्वत कौन सा था? आनंद पर्वत था। आनंद पर्वत कौन सा पर्वत है? गेट नंबर 4 से उतरे हम, ये देख सकते हो, जाना है आनंद पर्वत। अभी आया है 5 मिनट हुए। चलिए गेट से पता नहीं भाई जी। एक जबरदस्त मंदिर, पहले मैं यहीं सेटल था बट अब बिजनौर हो चुका हूँ। अभी थोड़ा आगे चलो सर, हमको थोड़ा आगे उतरना है। चलो फ्रेंड्स में उतरते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं आ गया रूम पर। आपको पता है कि मैं कल दिल्ली गया था, मेरी नाइट में ट्रेन थी 2 बजे, नाइट में ट्रेन थी और वहाँ पर हम बाजार गए। मैंने बोला था आपसे कि मैं जीन्स लेने के लिए जा रहा हूँ, आप देख सकते हो
क्योंकि मुझे बिजनेस करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जीन्स ही का बिजनेस पहले भी ऑलरेडी मैं जीन्स का कार्य करूँगा और मैं जीन्स का बिजनेस पहले भी किया। मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मुझे बिजनेस करना ही पसंद है, जॉब मुझे गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए, मैं चाहता नहीं कि मैं गवर्नमेंट जॉब भी करूँ, क्योंकि मुझे जॉब से नफरत है, जो कुछ करना है बिजनेस से करना है। और बताना चाहूँगा कि जो मेरे सपने हैं ना वो बिजनेस ही पूरा कर सकता है, राइट। सिर्फ बिजनेस ही मेरे सपनों को पूरा कर सकता है, जो मैं करना चाहता हूँ और जीवन में पाना चाहता हूँ, जो मेरे लक्ष्य हैं, जो मेरे ड्रीम हैं और जो भी कुछ करना चाहता हूँ, ओनली बिजनेस पूरा कर सकता है। इसलिए मैं बिजनेस ही करता हूँ और यह मैंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया जीन्स का, आप देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हो हमारे पास, अगर आप लेना चाहें तो कमेंट में अपना नंबर डाल दें। और बताना चाहूँगा कि हमारे पास ना 300 रुपये से 600 रुपये तक की ब्रांडेड है और अच्छी से अच्छा पेंट है, आप देख सकते हो। और ये है अभी अभी स्टार्टिंग किया हमने, खोला है, आप देख सकते हो। ये मेरे सर हैं जो कि नोट कर रहे हैं सारा डायरी में, क्योंकि अभी हमको मार्केट के लिए निकलना है। हम और भी सारे काम करते हैं, बिजनेस भी करते हैं और भी सारे बिजनेस करते हैं, स्टडी करते हैं और प्लस देख सकते हो बिजनेस भी करते हैं हम और बहुत कुछ। और ये मेरा रूम है, आप देख सकते हो, ये है मेरे रूम का नज़ारा जो हमने न्यू बिजनौर में अभी लिया है। जो कोई भाई हमसे जीन्स खरीदना चाहता है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट इस तरीके से करना है कि अपना नंबर कमेंट में डालना है, हम इधर से रिंग करेंगे, कॉल करेंगे तो हमारा आपसे बात हो जाएगा, तो आप इस तरीके से जीन्स ले सकते हो। और भी सारे कार्य करते हैं हम, बिजनेस भी करते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अश्वनी है और आज हम मेरा बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि हमने एक और इनकम सोर्स आज स्टार्ट किया है जिसको बोलते हैं अभी जीन्स का काम हमने डाला है, आज से शुरुआत है और आज से जो है हमारा एक और इनकम जो है हमारा क्रिएट हो गया। क्योंकि इनकम जितना उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, हर किसी के लिए अच्छा होगा। तो जिस किसी भाई को भी अगर जींस वगैरह चाहिए तो तुरंत जो है कमेंट में नंबर डाल दे और उसके जो है जैसे भी बोलेगा इस तरीके से जो है सही रेट पर बिजनौर में हम अपना सेलिंग करते हैं। और अगर आप बिजनौर से हो तो आप हमसे लेने आ सकते हो रूम पर। रूम वगैरह से जींस नहीं खरीद पाते हैं, अच्छा अच्छा महंगा जींस नहीं खरीद पाते हैं और अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती और महंगा मतलब ज्यादा पैसा जाता है, राइट। तो वो व्यक्ति हमसे कांटेक्ट कर सकता है और सही दाम पर, बिल्कुल मतलब जायज दाम पर सभी कोई व्यक्ति को जींस पहनने का मौका मिल जाएगा, राइट। ओके सर। और दोस्तों बताना चाहूँगा, मेरा गांव रायपुर मुलुक है और वहाँ से हम रहकर रहने के लिए बिजनौर आए हैं और यहाँ आने के बाद हमने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए हैं। और साथ साथ में मेरा एजुकेशन की बात करूँ, मेरा ग्रेजुएशन हो गया 2015 में और PCM ग्रुप से, और उसके बाद जो है BPED कर लिया हूँ। पर मैं कहना चाहूँगा आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि इतने सारे पढ़े लिखे हैं जॉब क्यों नहीं कर लेते, पर मैं कहना चाहूँगा जॉब करके कोई आदमी बड़ा नहीं बनता है और कोई भी व्यक्ति जो है अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कोई मेरे साथ जुड़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट करें और आइडियाज़ लें और अपनी इनकम को बढ़ाएं। और हम इसके साथ साथ और दो तीन बिजनेस और करते हैं जिसके बारे में बताना चाहूँगा। एक हम वेस्टेज बिजनेस करते हैं और साइड में अपना स्टडी भी करते हैं और आप देख सकते हो ये हमारी बुक्स हैं और स्टडी वो करते हैं। तो बताना चाहूँगा हम स्टडी तो करते हैं, पर आपने ये भी क्वेश्चन होगा आपका कि स्टडी कौन सी करते हैं। देखो तो स्टडी मेरा कंप्लीट हो गया, पर मैं कहना चाहूँगा सीखना हमें बंद नहीं करना चाहिए लाइफ टाइम। और मैं वो भी बुकें पढ़ता हूँ जिससे क्या ना हमेशा हम 5% लोगों में जिंदगी जिए, 5% लोग इन बुकों को पढ़ते हैं, वही मैं बुकें पढ़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूँ। सर देखो इस तरीके से नहीं, तो ये हमारी बुकें हैं जिसको हम पढ़ के अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं आज, इससे कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा और इनकम भी बढ़ रही है हमेशा। सभी लोग जो है ऐसे ही स्टडी करते हैं, कॉलेज जाते हैं, सब काम करते हैं, हमने भी किया। मैंने भी बहुत सारी स्टडी की, बहुत सारी किताबें पढ़ी, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आया, पर मुझे जो लगा आने वाले टाइम में जो है बिजनेस ही एक आदमी को आगे बढ़ा सकता है, तो इसीलिए मैंने जो है स्टडी को फाइनल करने के बाद मैंने वो बिजनेस की बुकें स्टार्ट की हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने इनकम सोर्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये वो बुकें हैं जिनको पढ़ करके आज मैं अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चला पा रहा हूँ। हम वो स्टडी करते हैं जो 95% लोग नहीं करते और 5% लोग इन बुकों को पढ़ते हैं जिससे क्या ना उनका लाइफ स्टाइल और उनकी इनकम जो है लाखों करोड़ों लोगों से जो है हटकर हो जाती है और यूनिक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो सर ने आपको बताया कि बिजनेस कहाँ ले जा सकता है और जॉब कहाँ ले जा सकती है। तो देख सकते हो यही हमारा न्यू बिजनेस जो जींस का स्टार्ट किया है हमने, और हमको करना बिजनेस ही है, चाहे हम छोटा करें या बड़ा करें, क्योंकि जो बड़ा करने वाले हैं वो ओनली बिजनेस से हो सकता है, जॉब से नहीं हो सकता। अगर हमको जॉब के अंदर 1,00,000 रुपये इनकम देना तो तब भी नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस हमको ऊपर ले जा सकता है और बिजनेस से हमारे सपनों को साकार कर सकता है। जो हमारे सपने हैं ना वो ओनली बिजनेस से ही पूरे हो सकते हैं, तो ओनली बिजनेस मैन ही बनना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा जींस का बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया है, और हम कल दिल्ली गए थे। और बताना चाहूँगा कि सुबह नाइट में गए थे हम, 2 बजे हमारी ट्रेन थी और पूरी नाइट निकल गई, पूरा दिन निकल गया, फिर दोबारा नाइट पूरी निकल गई और अभी थोड़ा फिर बारिश आई, मतलब थोड़ा हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हमारी, क्योंकि दो ढाई दिन से सोए नहीं, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर गए थे, क्योंकि जॉब होती तो 9 से 5 जाओ या 9 से 9 जाओ,
9 से 9 या 9 से 5 पूरा भविष्य निकल जाएगा ऐसे इस तरीके से ही। फिर हमारा न्यू जनरेशन जैसे हमारे फैमिली से कोई भी और भी होता है जैसे कि हमारे बच्चे वगैरह होते हैं तो वो भी 9 से 5 करते रहेंगे। अगर आप जिंदगी में सपनों को साकार करना चाहते हैं और भविष्य में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको ओनली बिजनेस करना होगा और बिजनेस आपके सपनों को साकार कर सकता है। तो हम बिजनेस ये नहीं, बिजनेस बहुत सारे कर सकते हैं, बहुत सारे करते हैं, वेस्ट बिजनेस करते हैं। और प्लस बताना चाहूँगा ये यूट्यूब कर रहा हूँ ना, ये भी एक बिजनेस है, ये एक स्मार्ट वर्क है। अब आप देख रहे हो, समझ रहे बात को, हार्ड वर्क। अगर हार्ड वर्क से कमाओगे तो लिमिट में कमाओगे, अगर स्मार्ट वर्क से कमाओगे तो अनलिमिटेड कमाओगे। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, तो यहीं पर इसको बंद करते हैं। ओके हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास वीडियो को इसको शेयर करो। और आप जींस अगर आपको लेना है तो जींस भी आप ले सकते हो। और मोर भी बिजनेस करते हैं तो आप वो भी हमारे साथ कर सकते हो। ऑलरेडी मैं ब्लॉग डाल चुका हूँ और ब्लॉग मेरे आने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स एक और बात, अगर आप मेरी पहली बार आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। अगर कुछ कहना चाहते हो हमसे तो कमेंट में नंबर डाल दें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखें खुद का, अपनी फैमिली का। जय हिंद, वंदे मातरम।